मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्गृत करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी के कारण, उसी प्रेरणा के कारण हम लीक से हटकर के तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बना। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती, अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता।